खबर उत्तराखंड से है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शनिवार को उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के समापन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि यह ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 3.5 लाख करोड़ रुपए के MOU के साथ नए उत्तराखंड की अनेक संभावनाओं को तराशने की शुरुआत है। उत्तराखंड ने प्राकृतिक सौंदर्य को बिगाड़े बगैर इको फ्रेंडली तरीके से छोटे राज्य को उद्योग जगत से जोड़ने का एक उदाहरण विश्व के सामने पेश किया है। अमित शाह ने कहा कि अटल जी ने उत्तराखंड को बनाया था, मोदी जी ने उत्तराखंड को संवारा है, आज उनके नेतृत्व में उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि मैंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लक्ष्य के बारे में पूछा और उन्होंने कहा कि 2 लाख करोड़ का निवेश आने की संभावना है, लेकिन आज राज्य में निवेश के लिए 3.5 लाख करोड़ रुपए के MOU संपन्न हुए हैं। मैं इसके लिए राज्य प्रशासन को बधाइयां देना चाहता हूं। अब उत्तराखंड एक मजबूत राज्य बनेगा। धामी जी ने ठीक ही कहा कि आज का कार्यक्रम ये डेस्टिनेशन उत्तराखंड का समारोप नहीं है, कई चीजों की शुरुआत। मैं भी मानता हूं जब ये डेस्टिनेशन उत्तराखंड की परिकल्पना, मैं पहले उत्तराखंड आया तब श्री धामी ने मुझे समझाई, तब मेरे मन में भी एक हल्का सा डाउट था, मगर धामी जी बड़े उत्साह से समझा रहे थे, मैं कुछ बोला नहीं। मैंने बोला क्या लक्ष्य रखा है धामी जी आपने, तो उन्होंने कहा 2 लाख करोड़ का, परंतु आज 3.5 लाख करोड़ के MOU समाप्त हो चुके हैं। मैं धामी जी के नेतृत्व में समग्र उत्तराखंड के प्रशासन को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, आज का यह समारोह 3.5 लाख करोड़ के MOU के साथ नए उत्तराखंड की अनंत संभावनाओं को तराशने की शुरुआत। अब उत्तराखंड अपने राज्य की प्राकृतिक सौंदर्य को बिगाड़े बगैर इको फ्रेंडली तरीके से किस प्रकार से इस छोटे से राज्य को उद्योग जगत के साथ भी जोड़ा जा सकता है, इसका एक मजबूत उदाहरण समग्र विश्व के सामने बनेगा, इसका मुझे पूरा भरोसा है। और इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत विश्वास के साथ उत्तराखंड की पहाड़ियों पर आकर कहा कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। ये मोदी जी का भरोसा हर उत्तराखंडवासी की धाती है।